हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 1/19, जिसका एग्ज़ाम का डेट तो फिक्स हुआ नहीं, लेकिन एक अपडेट बहुत बड़ा है जिसमें वैकेंसी कम हुआ है। कैसे? डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा देखेंगे कि कैसे ये कम हुआ है। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए हिंट में हम यूज करेंगे आपको 2/2/2018 में रिवाइज वैकेंसी और PWD और 1/2/2018 LP टेक्नीशियन का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, या दिल्ली कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें PWD की रिवाइज वैकेंसी की गई थी। ये सारा चीज़ें देखेंगे, साथ में ये भी देख लेंगे कि 2/18 में PWD कैंडिडेट का रिवाइज पोस्ट कितना हुआ है, अभी कितना खाली पोस्ट है। तो PWD कैंडिडेट के लिए तो खुशखबरी है, जिसमें बहुत सारी पोस्ट इनकी बढ़ने वाली है और मैक्सिमम RRB में इनका पोस्ट अभी खाली गया है। तो ये पूरी कंडीशन को देखते हुए हम सारा एक 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 करके आपको डाटा ऑफिशियल रूप से दिखेंगे, बिना ऑफिशियल की कोई नहीं बात करेंगे। तो सबसे पहले एक डाटा जो आपके पास लेके आ रहा हूँ, ये RRB ने अपने बहुत जगह पे, वेबसाइट पे तो नहीं लेकिन कहीं, ये डाटा अपडेट कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि जो हमारा 2/18 वैकेंसी थी उसमें हमने बहुत सारी रिवीजन किया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, वैकेंसी की रिवीजन 2/18 में भी हुई है, यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए पोस्ट बढ़ाया गया, यानी नॉर्मल की वैकेंसी कम की गई है। लेकिन नॉर्मल में कई सारे CCA या अप्रेंटिस, एक सर्विसमैन के कैंडिडेट नहीं हुए, जिसके कारण से ये वैकेंसी का एक्चुअल पता नहीं चला, जिनकी अभी स्टेटस मांगा गया है। अब यहाँ पे देखिए, PWD में पहले पोस्टों की संख्या में इन्होंने दिखा था पैनल इस, तो इस हिसाब से देखेंगे तो RRB चेन्नई में 57 लोगों को पैनल में जारी किया है, जिसका कटअप भी दिया है। लेकिन अभी देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्टफॉल है, और 184 लोगों को यहाँ पे टोटल VI HI LD का था। क्या इतनी वैकेंसी रिक्रूटमेंट में थी? तो नहीं थी। मैं आपको दिखा दूं कि पूरे 16 जोन जितने थे उसमें RRB की टोटल वैकेंसी 729 PWBD के लिए रिजर्व थी। इसमें 729 पोस्ट को बढ़ा के इन्होंने कितना कर दिया है, 2046 कर दिया है, जो नीचे की तरफ दिखेगा आपको। फाइनल सभी जोन का एक एक करके देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल, यहाँ पे कितने टोटल लोगों का पैनल में नाम देना है, तो 2446 को, 2000 हमने बोला था, 2446 को, जिसमें से 971 को दे दिया है कैंडिडेट का नाम। बाकी 1717 को अभी ये पैनल में नाम देंगे। किसको देंगे? 1717 नहीं होगा, करीब 1600 कुछ पोस्ट होगा जो अभी इनको पैनल में लेना है, जिसके लिए MD की रिप्रेजेंटेशन भी मांगा गया है, और PWD नॉर्मल कैंडिडेट का भी कटअप कम होगा, ये है। लेकिन इस नोटिफिकेशन को हम वेरीफाई करने के लिए अगर सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 2/18 चलेंगे, तो वहाँ पे हम देखते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, 2/18 ही है ना, ऐसा ना कि मैं दूसरा दिखा दूँ। तो 2/18 में आप देखिएगा तो टोटल नीचे की तरफ आइएगा, तो नीचे आते ही आपको दिखेगा टोटल पोस्टों की संख्या। देखिए PWD का यहीं है, जिसमें आप देख सकते हैं यहां से शुरू होता है, AH AH सब मिला के तीनों पोस्ट जोड़ लीजिए, 62, 316 और 361, जिसमें पीछे की भी वैकेंसियां जुड़ी हुई थी, ये सब मिला दीजिएगा तो होता है 729। लेकिन इन्होंने तो 700 लोगों को पैनल में ऑलरेडी दे दिया था, 771 लोगों को दे दिया, फिर भी ये पोस्ट अभी खाली हो गया, और इन्हों RRB के अनुसार 2446 लोगों को PWD को कैंडिडेट को देना है, यानी वैकेंसी रिवाइज हो गई थी। जैसा कि हमने पीछे वीडियो में भी बताया था PWD में, कि 2/18 भी रिवाइज हो गया। अब इसी आधार पे 2/1/2019 RRC 1/2019 भी रिवाइज होगा। कैसे, इसको हम समझाते हैं आपको यहाँ आगे में। तो यहाँ समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और LP में दिखा था हमें, तो ये एक डेट में आया था LP में PWD के लिए। ध्यान से देखिएगा, विथ रेफरेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इश्यू ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली WP नंबर इतना, इसको सर्च करेंगे तो आपको ये डिसीजन मिल जाएगा, WP नंबर 1855/2018 RRB एंड रेलवे वाइज वैकेंसी ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन रिवाइज PWD कैटेगरी
स्टेनड स्टील टू रिवाइज डिटेल ऑफ एनएक्स बी विथ अटैच, जिसमें रिवाइज करके यहाँ इन्होंने इस पैनल में यहाँ पीडब्ल्यूडी में एमडीबी कैटेगरी जोड़ दिया था, और पहले केवल जैसे दे देखते वीआई एचआई और एलडी का था, यहाँ एमडीबी जोड़ के इन्होंने बहुत सारे सीटों को बढ़ा दिया था। अब इसी आधार पे अगर हम देखें मेन में जो हमारा, इसी आधार पे देखेंगे टोटल करके तो हमारा क्या, जो हमारा नया वैकेंसी टेबल है, जो हमारा 2019 का आरआरसी का वैकेंसी टेबल है, इसमें क्या अंतर पड़ेगा। तो ये हमारे पास वैकेंसी टेबल आपके लिए ओपन कर रखा हूँ, रोजगार सूचना 1/18। अब इसमें देखेंगे जब सारा डेट डिटेल दिया था, अब यहाँ नीचे में भर्तियों पे आएंगे वैकेंसी पे। तो यहाँ देखिए पीडब्ल्यूडी बीडी और विकलांग पीडब्ल्यूडी बीडी दो ही का इन्होंने दिया है, और दोनों के मिला के टोटल सीटों का संख्या, टोटल हम फाइनल कंडीशन में आएंगे तो फाइनल कंडीशन में देखिएगा कि टोटल पीडब्ल्यूडी की यहाँ से 2326 और यहाँ से 112, जो 112 में अतिरिक्त पहले का भी सारा चीज़ें है, इसमें देख लीजिएगा पहले का भी बैकलॉग है, जो भी डिटेल होगा इसमें डिटेल दिया हुआ है उसमें देख लीजिएगा। ये बैकलॉग की 112 सीट है और नॉर्मल के लिए टोटल सीटें 4326 है। तो 4326 और 112 को अगर मिला देंगे तो ये आता है आपके पास एवरेज, मान लीजिएगा 4500 पोस्ट, एवरेज में रख रहा हूँ, कम ही होगा 4500 पोस्ट, लेकिन ये 4500 पोस्ट नहीं रहने वाली है, ये अब बढ़ जाएगी। जैसा कि आपने देखा 729 वैकेंसी पे 2446 हो गया, तो ये क्या 4500 से कितना बढ़ सकता है, तो कम से कम आप मान लीजिए ये 10000 में जाएगा, 9000 प्लस और 10000 के समथिंग में ये वैकेंसी पीडब्ल्यू के रिजर्व होगा। और ये पीडब्ल्यू बीडी को जाएगा तो बाकी पोस्टें कहाँ कमेगी, तो ये पोस्ट कमेगी इस वाले नॉर्मल में 1,03,769 में से अगर 10000 कम कर देंगे तब ये हो जाएगा 90000, और 90000 में से 20000 सीसीए के लिए और 20000 एक सर्विसमैन के लिए। हालांकि सीसीए में कोई क्वालिफाई नहीं करेगा तो नॉर्मल में आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो जो रिजर्व है तो 90000 में से 40 घटा दीजिए, 50000 ओपन वैकेंसी अभी दिख रही है टोटल। अब इसमें से भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर 9000-10000 के आसपास आते हैं, इनकी भी एक कंडीशन है कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है किसमें है, असिस्टेंट पॉइंटमैन, असिस्टेंट ब्रिज और ये ट्रैकमैन मेंटेनर 4, इसमें 56000 वैकेंसी में पीडब्ल्यूडी को अलाउ नहीं है, क्योंकि देख लीजिएगा यहाँ जिसमें कारण दिया हुआ है, उपरोक्त रिक्तियों में पीडब्ल्यू बैकलॉग भी है। उसके अलावा तीसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में जोखिम भरे, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित में जोखिम भरे परिचारण पदों के रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूडी का आरक्षण कार्य अपेक्षित के कारण नहीं दिया जा सकता है। ये 56000 पोस्ट में पीडब्ल्यूबीडी को कोई पोस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनका काम करने का तरीका अपॉइंटमेंट का कठिन है, खड़ा रह के करना है, आपका रिस्क भरा जॉब है, जिसके कारण से आपका पॉइंट मैन और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में नहीं दिया जा सकता। तो ये पोस्ट किस पे शिफ्ट होगा, तो सारा पोस्ट शिफ्ट हो जाएगा आपकी दूसरी वाली जो पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट मैन के अलावा। तो कह दे कि ग्रुप डी में भी एक कंपटीशन फिर से शुरुआत हो रहा है, जैसा कि आरआरबी ने शुरुआत कर दिया है। फिर भी एक उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ी है और वैकेंसी बढ़ी से पहले नोटिफिकेशन आ गया है, तो तीनों डॉक्यूमेंट एक एक बार देख लेते हैं फिर से। तो शुरुआत से देखते हैं जहाँ पे इन्होंने रेलवे ने घोषणा किया है कि कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार से, कितने ऑर्डर के अनुसार से, तो यह ऑर्डर नंबर देख लीजिएगा, डब्ल्यूपी नंबर 1855, यहां से आपको एक बार दिखा देता हूं, डब्ल्यूपी 1855 2018 के अनुसार से ये वैकेंसी चेंज हो रही है पीडब्ल्यूडी का। इसकी शुरुआत हमने कहाँ रिफ्लेक्शन के रूप में देखा, तो पीडब्ल्यूडी का जो पैनल आया है 2/18 में, उसमें जितनी वैकेंसी थी उससे ज़्यादा इन्होंने पोस्ट अब अलॉट कर दिया हर आरआरबी में। टोटल पोस्ट देखिए 929 ऑलरेडी पोस्ट, 729 पोस्ट थे उसमें से 971 को तो इन्होंने पोस्ट अलॉट कर दिया ऑलरेडी, फिर भी इन्होंने 2400 इतना रखा है, यानी अभी भी वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है जिसको भरने की प्रोसेस किया जा रहा है। यानी 2/18 का रिफ्लेक्शन आपको जो वैकेंसी आ रहा है, इस बार का जो वैकेंसी आ गई है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसमें भी ज़रूर दिखलेगा, और इसका असर इनडायरेक्ट रूप से होगा, डायरेक्ट रूप से नहीं। तो ये डिटेल था कि आरआरबी 1/19 में वैकेंसी थोड़ी कम हो गई है। थैंक यू, धन्यवाद।